दूरदर्शन सीरियल से सलमान की इस एक्ट्रेस ने की थी कैरियर की शुरुआत एक ब्लॉकबस्टर के साथ चली गई गुमनामी के अंधेरे में। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। दूरदर्शन पर आने वाले किसी सीरियल में आने के बाद फिल्म ऑफर हो जाना ऐसा इत्तफाक चंद ही कलाकारों के साथ हुआ है जिन्हें दूरदर्शन से बड़े पर्दे पर आने का मौका मिला। उनमें से कुछ कलाकारों के कैरियर की गाड़ी चल निकली और बुलंदियों पर पहुंची, जैसे शाहरुख खान। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी रहे जिन्हें सिनेमाई पर्दे पर बड़ा ऑफर तो मिला लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। हम आज जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उसकी तकदीर भी कुछ ऐसी ही रही है, जिसे छोटे पर्दे पर बहुत प्यार मिला। फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही बेशुमार कामयाबी और शोहरत मिली लेकिन फिर वो करिश्मा नजर नहीं आया। हम बात कर रहे हैं भाग्यश्री जी की, जो सबसे पहले दूरदर्शन के एक खूबसूरत से शो में नजर आई। क्या आप जानते हैं कौन सा था वो? तीन बहनों की कहानी कहने वाला ये प्यारा सा शो था कच्ची धूप। इस शो में भाग्यश्री ने सबसे बड़ी बहन अलका का किरदार निभाया था, जो एक टीनेज लड़की का रोल था। 1987 में दूरदर्शन पर आने वाले इस शो में श्री भाग्यश्री बेहद खूबसूरत नजर आईं। उनकी मासूमियत और भोलापन भी लोगों के दिल को जीत लेता था। दर्शकों ने भी उनके इस अंदाज को बहुत पसंद किया था और प्यार भी दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस शो में मशहूर डायरेक्टर आशुतोष गवालीकर भी थे, जो शो में भाग्यश्री को प्यार करते थे। ये उनका भी पहला टीवी सीरियल था। इस शो के बाद भाग्यश्री को मैंने प्यार किया मूवी में काम करने का मौका मिला। सलमान खान के साथ आने वाली भाग्यश्री की ये फिल्म जबरदस्त हिट रही लेकिन इसके बाद वो इक्का दुक्का मूवी में ही नजर आई। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।